नमस्कार दोस्तों, बागवानी प्लांट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अनानास कैसे उगाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अनानास के फल के ऊपर की पत्तियां हैं, इसको मैंने यहाँ से काट लिया है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो नीचे की एक्स्ट्रा पत्तियां उसको निकाल देना है। इस तरह से ये निकाल करके थोड़ा क्लीन कर लेना है, देखिए। और इसके बाद एक पानी का गिलास लेना है और इस पानी के गिलास में इसको डाल देना है। ध्यान रहे, ये पानी का गिलास, इसमें जितना पानी भर रखा है इसके नीचे की पत्तियों तक पानी टच करना चाहिए, जैसे आप ये देख रहे हो। और कुछ दिनों के बाद इसमें जड़ें निकलेंगी, आपको मैं बताऊंगा बाद में जब इसकी जड़ें निकल आएंगी। आज हम पाइनएप्पल का जो कटिंग मैंने पहले रखी थी उसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ये 28 जून 2023 को मैंने ये कटिंग इस पानी में डाली थी। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया इसको रिपोर्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं इसकी जड़ें इससे आधी भी होती तब भी ये पौधा चल जाता, तो टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया। चलिए कोई बात नहीं, और आसानी से ये पौधा लग जाएगा। अब पहले इसके लिए हम गमला तैयार करते हैं। ये वो गमला है, इसमें हम इस पाइनएप्पल के पौधे को लगाएंगे। ये 12 इंच का गमला है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, हर एक वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी मिट्टी हो उसमें नीम खली डालनी बड़ी ज़रूरी, क्योंकि ये नीम खली से मिट्टी में कीड़े नहीं आते। कई कीड़े इस तरह के आ जाते हैं जो पौधों को, उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल गार्डन सॉयल है, यानी कि खेत की मिट्टी है, बाग की मिट्टी भी कह सकते हैं। ये जो पॉट है इसमें ये सुराख होते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मिट्टी बाहे ना, उसके लिए इसमें हम लकड़ी के कुछ टुकड़े डाल देते हैं ऐसे इसमें मिट्टी डाल लीजिए। वैसे तो ये बातें नॉर्मल होती हैं, लेकिन कई बार छोटी से छोटी गलती हमारे पौधों को नुकसान दे देती है। मिट्टी भरने के बाद इसको थोड़ा हिला दीजिए ताकि ये पूरी तरह बैठ जाए। अब आपने इस कटिंग को उठाना है, और जो आपको जड़ें दिखाई दे रही हैं इनको बड़े प्यार से इस मिट्टी में दबा देना है, ऐसे। देखिए, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि पानी में जो जड़ें होती हैं बहुत कोमल रहती हैं। अगर आप इसको ज़्यादा प्रेस करोगे तो इसकी जड़ें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, यानी ख़राब हो सकती हैं। बड़े प्यार से इसमें पानी डाल दीजिए। थोड़ा पानी डालने के बाद
एक छोटा सा ब्रेक दीजिए ताकि जो पानी है वो नीचे बैठ जाए। और आप जैसे देख रहे हो ये जड़ें नीचे जा रही हैं और अब इस जगह पे बैठ जाएंगी। जैसे जैसे पानी बैठ जाता है एक बार फिर आप इसको पानी से भर दीजिए। अगर आपके पास वाटर कैन नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, एक नॉर्मल बोतल लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल हो, उसके ढक्कन में सुराख करके बारीक बारीक उसका भी फव्वारा बन जाता है। तो लीजिए दोस्तों, ये पौधा हमारा तैयार है। अब सिर्फ आपने इतनी सावधानी करनी है कि इस पौधे को सीधी धूप में नहीं रखना है, कम से कम एक हफ्ते के लिए इसको सीधी तेज़ धूप से बचाना है और कहीं भी छाया वाले स्थान पर रख दीजिए। धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।